न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के न्यायालय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा डायरेक्टर जनरल WHO डॉक्टर टेड्रोस एधानम गेब्रेसस के विरुद्ध मैंने आपराधिक देश में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके चपेट में आने से अब तक 8,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खतरनाक वायरस के लिए दुनिया के अधिकांश देश चीन को जिम्मेदार मानते हैं, तो वहीं भारत के अधिकांश नागरिक भी कोरोना को लैब में तैयार वायरस मानते हैं, जिसका जिम्मेदार की चीन को ठहराया जाता है। इस बीच बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया नगर में चीन के इस करतूत के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर समेत कई अज्ञात लोगों पर बेतिया के CGM कोर्ट्स में केस दायर किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट के अधिवक्ता मुराद अली ने यह केस दायर किया है। इस केस को स्वीकार करते हुए CGM कोर्ट ने केस पर सुनवाई की तिथि 16 जून निर्धारित की है। अधिवक्ता मुराद अली ने इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गवाह बनाया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि चीन के राष्ट्रपति व विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल ने साजिश रचकर पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैलाया है। इसके कारण लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अधिवक्ता ने धारा 269, 270, 271, 302, 307, 500, 504 और 120B IPC के तहत केस दायर किया है। अधिवक्ता मुराद अली ने आरोप लगाने का स्रोत सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त जानकारी को बताया। तो ये कुछ बड़ी खबर थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।